प्रत्यावर्ती धारा दिश धारा से अधिक खतरनाक होती है, क्यों? एसी इज मोर डेंजर देन डीसी, है ना? तो ये आप लोगों को बता दें कि प्रत्यावर्ती धारा के लिए एक फार्मूला होता है, प्रत्यावर्ती धारा के लिए एक सूत्र होता है, I जीरो इक्वल टू आई आर एम एस रूट टू, ये इसको बोला जाता है आयामान। इसको क्या कहते हैं? धारा का आयामान। इसको कहते हैं धारा का वर्ग माध्य मूल मान, ठीक है? यानी जो धारा का आयाम मान होता है, इस मान का इतने गुना होता है, ठीक है ना? यहाँ ये फार्मूला किसके लिए है? प्रत्यावर्ती धारा के लिए होता है, दिश धारा के लिए नहीं है। ऐसे ही V आर एम एस को केवल भी लिख सकते हैं और आई आर एम एस को केवल हम आई भी लिख सकते हैं, ठीक है ना? अब होता क्या है, हम ये बताना चाहते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा दिश धारा से ज़्यादा खतरनाक क्यों होती है। यदि मान लीजिए एसी जो है वो 220 वोल्ट की है और डीसी भी 220 वोल्ट की है, प्रत्यावर्ती धारा 220 वोल्ट की हो और दिश धारा भी कितने की हो? 220 वोल्ट की, तो एसी के लिए हमने कहा कि वी जीरो बराबर वी आर एम एस रूट टू, तो वी जीरो बराबर इसका मान कितना? 220, तो 220 अंडर रूट दो करेंगे तो 220 1.414 311.13 वोल्ट, ये बढ़कर यहाँ तक पहुँच जाता है, ठीक है ना? यदि हम एसी में 220 वोल्ट लेते हैं तो ये 220 अंडर रूट दो करेंगे तो इतना आएगा, इतना 311.13 वोल्ट के आसपास, है ना? ये बढ़कर इतना तक चला जाएगा। लेकिन यदि हम ये वाला मान लेते हैं डीसी का 220 नियत रहेगा, क्या रहेगा? 220 वोल्ट क्या रहेगा? नियत रहेगा। अब बताओ यदि एसी 220 लेते हैं तो बढ़कर कहाँ तक चला जाता है? 311 तक। और डीसी का 220 लेते हैं तो वो 220 क्या रहता है? नियत रहता है, है ना? तो अब बताओ ये और इनमें से ज़्यादा कौन खतरनाक हो? 311 वाला। लेकिन ये बात ध्यान रखना, समान वोल्टेज की जब रहे तब की बात है। अब पता चला कि ये पहले से 420 वोल्ट का है और ये 220 का है, तब नहीं कि ये सिम खतरनाक होगी, ठीक है ना? जब दोनों समान वोल्टेज के हों, एसी और डीसी दोनों समान वोल्टेज के हों, तो एसी जो है ज़्यादा डेंजर होती है। लेकिन यदि समान वोल्टेज की नहीं है, मतलब डीसी जो है ज़्यादा वोल्ट की है, एसी कम वोल्ट की है, तब तो वो डीसी खतरनाक हो जाएगी, ठीक है ना? लेकिन ये दोनों समान वोल्टेज की है, तो आप ये देख लीजिए कि ये फार्मूला जो होता है आई इक्वल टू आई आर एम एस रूट टू या भी बराबर भी आर एम एस रूट टू, तो इसका मान यदि हम 220 लेते हैं एसी में, तो ये 220 एसी में लेते हैं तो बढ़कर कितना चला जाता है? 311 तक। यदि डीसी में 220 लेते हैं तो उसके लिए ये फार्मूला नहीं होता है, तो ये 220 नियत रहता है, है ना? इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यदि एसी और डीसी दोनों समान वोल्टेज की है तो डीसी जो एसी ज़्यादा खतरनाक होगी। ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला प्रूफ किया जाता है, ये नहीं कि हम अपनी बात को सिद्ध करने के लिए लिखा दिए हैं,
ये डिराइव फार्मूला है, ठीक है ना। अब जैसा भी हो, अब आपको ये याद रखना है। पर अब कैसे हुआ, हम ये फार्मूला से बता दिए। अब यदि कोई ये कहे कि ये फार्मूला कैसे आया है, तो इसको भी हम किसी लेक्चर में इसको भी बता देंगे, तो उसको भी आप समझ जाओगे कि ये कैसे हुआ है। पर जहाँ इस प्रश्न की बात है कि समान वोल्टेज की प्रत्यावर्ती धारा दिश धारा से ज़्यादा खतरनाक होती है, तो इसको समझने और समझाने के लिए आपको इस फार्मूला का यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। वी जीरो क्या होता है, वोल्टेज का आयाम मान, और ये इसको बोलते हैं वर्ग माध्य मूल मान, ठीक है ना, वर्ग माध्य मूल मान, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, इसको प्रदर्शित करते हैं वी आर एम एस, या केवल वी से लिख सकते हैं। तो जो कोई वैल्यू दी होती है तो उसको आप वी आर एम एस वैल्यू ही मानेंगे। कोई वैल्यू यदि वोल्टेज का दिया है, वो मीन्स वी आर एम एस वैल्यू है, ये जान के चलो। और उसका एम्पलीट्यूड कैसे लाएंगे, इस फार्मूला से लाएंगे, ठीक है ना। कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, 220 जरूरी नहीं कि 220 से लिखो, चाहे धारा में लेकर के आप एग्जाम्पल बना लो कि इतने एम्पियर की धारा लेंगे तो बढ़कर इतनी हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसका मेन वजह क्या है, ये एक फार्मूला काम करता है, मतलब मैथमेटिकली आप प्रूव करेंगे तो इस फार्मूला की सहायता से ही कर सकते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना, इसको बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है।